नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर निर्णय एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रस आपको बताया, अब लेके चलते हैं अलंकार की तरफ। अलंकार कहते किसे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे व्यक्ति की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, वैसे ही काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इसका मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। प्रश्न ये उठा कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, जब ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं इसलिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। प्रश्न ये उठा कि हिंदी जगत में अलंकार कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी जगत में अलंकार कुल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है शब्दालंकार, नंबर दो है अर्थालंकार। शब्दालंकार कहते किसे हैं, जिस अलंकार की अलंकारिता शब्द के आधार पर होता है, अर्थात जिस अलंकार का निर्धारण शब्द के आधार पर होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जिस अलंकार का निर्धारण अर्थ के आधार पर होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात अर्थ की प्रधानता जिस अलंकार में होती है उसे अर्थालंकार, और शब्द की प्रधानता जिसमें होती है उसे शब्दालंकार। अर्थात शब्द बदलने पर जिस अलंकार का जिस अलंकार की अलंकारिता नष्ट हो जाए, अर्थात शब्द अलंक बदलने पर अलंकार न रह जाए, वह कौन सा अलंकार होगा, शब्दालंकार। और शब्द बदलने पर यदि अर्थ न बदले तो वह कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत जैसे यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति आदि आते हैं। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपहनूति, आपके संदेह, भ्रांतिमान आदि कई अलंकार आते हैं। अब एक एक अलंकार के बारे में हम बताते हैं आपको, कुछ प्रमुख शब्दालंकार के बारे में बताते चलें आपको। पहला अलंकार है दोस्तों शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत पहला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार होता कहाँ है, कोई उदाहरण दिया हो तो कैसे हम पहचाने कि यहां यमक अलंकार है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप उदाहरण दिया हो तो कैसे पहचाने। मान लिया जाए कोई उदाहरण दिया है, कोई भी उदाहरण दिया है, और उस उदाहरण में शब्दों की पुनरावृत्ति हो, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, कोई भी शब्द रिपीट हुए हो, और लेकिन अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। कोई भी उदाहरण आए जिसमें शब्द कोई भी शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, आपने देखा यहां पर सजना शब्द कई बार आया है, रिपीट हुआ है, क्या इन दोनों के अर्थ सेम है, नहीं। यहां सजना मतलब होता है मेकअप करना, श्रृंगार करना, और यहां सजना का अर्थ है प्राणनाथ, सैयाजी। इस तरह से आपने देखा शब्द तो रिपीट हुआ है लेकिन अर्थ उसका अलग अलग है, कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। इसी तरह से दोस्तों और उदाहरण हम आपको देते हैं, दिखाते हैं कैसे। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते सौगुनी
मादकता अधिकाय वा पाए बौराए जग या खाए बौराए। आप देखें जरा सा, कनक कनक एक को खाने के बाद व्यक्ति बौरा जाता है दूसरे को पाने के बाद। इसका मतलब यह है जिसको खाएगा वह धतूरा होगा और जिसको पाने के बाद बौरा जाता है वह क्या होता है, स्वर्ण होता है, सोना होता है, गोल्ड होता है। इसका मतलब शब्दों की पुनरावृत्ति तो हुई है लेकिन यहां पर अर्थ क्या है अलग अलग है। खाने की प्रक्रिया में धतूरा खाया जाता है और पाने की प्रक्रिया में स्वर्ण। इसको खाने के बाद व्यक्ति मदमत्त हो जाता है, पागल हो जाता है, और इसको पाने के बाद व्यक्ति पौर आ जाता है, पागल हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट उदाहरण देख लें आप, कबीरा सोई पीर हैं, जे जानी पर पीर और जे पर पीर न जानई सो का फिर बेपीर। अब आपने यहां देखा कबीरा सोई पीर हैं, एक पीर सोए हुए हैं, जे जाने पर पीर। अब यहां देखें आप शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, शब्द रिपीट हुए हैं लेकिन क्या इनके अर्थ सेम हैं? नहीं। आपकी स्पष्ट है कि एक पीर सोए हुए हैं, इसका मतलब कोई संत हैं, पीर बाबा हैं जो सोए हुए हैं। और जे जाने पर पीर, यहां पीर का अर्थ है पीड़ा, जो दूसरे की पीड़ा को जानते हैं। आपने देखा शब्द पीर पीर तो रिपीट हुआ है लेकिन अर्थ क्या है अलग अलग है। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। इसी तरह से और उदाहरण आप देख लें, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। क्या इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति या शब्द रिपीट हुए हैं? हाँ, घटा घटा। क्या इन दोनों के अर्थ सेम हैं? नहीं। काली घटा काले बादल, यहां पर घटा मतलब बादल है और यहां पर घटा मतलब कम होना, घमंड कम हो गया है। तो एक का अर्थ घटा का बादल और एक का अर्थ कम होना हो गया। इसी तरह से और उदाहरण देख लें आप, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती। आपने देखा कि शब्द में, इस वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, तीन बेर तीन बेर। क्या इन दोनों के अर्थ सेम हैं? नहीं। यहां महाराणा प्रताप के जब जंगल में वास कर रहे थे उस समय का वर्णन है कि उनकी धर्म पत्नी जी पहले तीन बेर खाती थी लेकिन अब तीन बेर तीन फल खा के गुजारा कर रही हैं। इसका मतलब यहां तीन बेर का अर्थ है थ्री टाइम, तीन बार, और यहां तीन बेर का अर्थ है तीन फल। अर्थात शब्द तो रिपीट हुआ है तीन बेर लेकिन दोनों के अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसी तरह से और उदाहरण देख लें आप, खग कुल कुल खग कुल खग कुल 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 सा बोल रहा है, तेरी बरछी ने मेरे बर छीने हैं, तेरी बरछी ने। खग कुल कुल सा पहले ये देख लें आप, खग कुल संपूर्ण पक्षी, संपूर्ण पक्षी, यहां कुल मतलब संपूर्ण। शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है क्या? यह देखना है क्या इनके अर्थ अलग अलग हैं? हैं। संपूर्ण पक्षी कैसी आवाज कर रहे हैं? कुल 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 की। अर्थात यहां कुल मतलब क्या है? ध्वनि है। यहां कुल कुल का अर्थ ध्वनि है लेकिन यहां कुल का अर्थ संपूर्ण है, इसलिए शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। यमक अलंकार होगा। तेरी बरछी ने मेरे बर छीने हैं, बरछी ने बरछी ने बरछी ने बरछी ने बरछी ने भाले ने
बर छीने हैं, सुहाग को क्या किया है, छीन लेना। इसका मतलब शब्दों की पुनरावृत्ति तो हुई है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। इसके बाद लेके चलते हैं दोस्तों, उदाहरण बहुत हैं। नेक्स्ट अलंकार की तरफ चलते हैं जिसका नाम है श्लेष अलंकार, दूसरा है शब्दालंकार में श्लेष अलंकार। श्लेष जो शब्द बना है श्लिष धातु से बना है। श्लेष का अर्थ है चिपकना, चिपकना, इसलिए श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। अर्थात जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, छिपे हुए हों और परिस्थितियों से अर्थ निकलता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, भिखारियों को देखकर पट बार बार दे रहा था। यहां पट शब्द में दो भाव छिपा है। भिखारी को देख करके लोग दो ही कंडीशन करते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं या वस्त्र बार बार देते हैं। तो यहां भिखारी में, यहां पट में दो अर्थ छिपा हुआ है। एक क्या है? एक वस्त्र है और दूसरा क्या है? दरवाजा है, किवाड़ है। इसका मतलब पट शब्द एक ही है और एक शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपे हैं और परिस्थितियों से, सिचुएशन बदलने से उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ श्लेष अलंकार है, क्योंकि पट शब्द में ही एक से अधिक अर्थ चिपका हुआ है। दूसरा उदाहरण देख लें दोस्तों, दूसरा उदाहरण सजना सजा है। अगर इसी को दो टाइप के महिलाओं से पूछिए सजना सजा है तो दो तरह के आंसर आपको प्राप्त होंगे। एक कहेगी हाँ सजना मेकअप किया हुआ है और दूसरा कहेगी हाँ सजना सजा ही है, दंड देता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ सजा के दो अर्थ हैं, एक है दंड और दूसरा है आपका क्या? श्रृंगार। एक है दंड, दूसरा है श्रृंगार। अर्थात एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपे हुए हों, इसलिए कौन सा अलंकार है? यहां पर श्लेष अलंकार है। इसके बाद लेके चलते हैं आपको, एक दो उदाहरण और बता दें आपको। जैसे चरण, तीसरा उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, चितवत चारहु ओर सुबरन को खोजत फिरत, खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। आपने देखा सुबरन को तीन टाइप के लोग खोज रहे हैं, कवि भी खोज रहा है, व्यभिचारी भी और चोर भी। तो यहां पर सुबरन के तीन भाव हो जाएंगे। कवि के सेंस में कवि क्या खोजता है? सुंदर वर्णन, सुंदर विचार। व्यभिचारी कामी पुरुष क्या खोजता है? सुंदर वर खोजता है। और चोर क्या खोजता है? स्वर्ण खोजता है। इसका मतलब सुवर्ण शब्द में ही तीन अर्थ छिपे हुए हैं, सुंदर वर्णन, सुंदर वर या स्वर्ण।
तीन अलग अलग परिस्थितियां दे दी गई हैं, तीन अलग अलग परिस्थितियों से यहाँ तीन अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, यहां पर श्लेष अलंकार होगा। चौथा उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसका मतलब यह हुआ कि पानी शब्द में तीन कंडीशन दे दी गई हैं, मोती मानुष और चून। इसका मतलब यह हुआ पानी का जो अर्थ होता है वह तीन परिस्थितियां दे दी गई हैं, तीन परिस्थितियों से इसका अर्थ निकालना होगा आपको। तो पानी मोती के संस में, मोती में जो चमक होती है वह आखिर में पानी की ही चमक है, इसलिए मोती के संस में पानी का अर्थ चमक होता है। मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ उसकी औकात या प्रतिष्ठा होती है, इसलिए कहते ना कितने पानी मोह बाहर निकलिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रतिष्ठा की बात हो रही है, हैसियत की बात हो रही है। और चूने में पानी का क्या सेंस है, जल है, चूने में जल मिलाया जाता है। इसका मतलब मोती मानुष चून के सेंस में पानी के तीन अर्थ हो जाते हैं, चमक, प्रतिष्ठा और जल। शब्द एक है, प्रश्न ये उठा कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यमक क्यों नहीं हुआ, तो ध्यान दीजिएगा यमक में परिस्थितियों से, प्रसंग से अर्थ नहीं निकलता है, जबकि श्लेष में प्रसंग है, तीन प्रसंग तीन परिस्थितियां दे दी गई हैं, इसलिए यहाँ पर पानी के तीन अर्थ निकले, वैसे नहीं निकलता है। तो इस तरह से रहा आपका श्लेष अलंकार। अब इसके बाद लेके चलते हैं हम आपको अनुप्रास अलंकार की दुनिया में। शब्द अलंकार का तीसरा अलंकार है तीसरा अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को दो तरह से पहचाना जाता है, कोई उदाहरण दिया हो। नंबर एक, व्यंजन वर्णों का एक से अधिक बार आना या व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति। दूसरा है शब्दों की पुनरावृत्ति, यमक अलंकार की तरह शब्दों की पुनरावृत्ति, लेकिन जो अर्थ होंगे उनके समान होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। अगर अर्थ अलग अलग हो जाएंगे तो यमक अलंकार हो जाएगा, अगर अर्थ समान है तो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और व्यंजन वर्णों का एक से अधिक बार आना, वहां कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं, किसी भी उदाहरण में व्यंजन वर्ण एक से अधिक बार आए, जैसे तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, चरर मरर खुल गए अरर, रव स्फुटों से। आपने देखा क्या, त त त त त कई बार आया है, र र र र र र र, अर्थात व्यंजन वर्ण एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से उदाहरण और देख लें आप, भगवती भारती भातु सर्वथा, अर्थ जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शब्द अलंकार में अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं। आपने देखा भ भ भ त त त, व्यंजन वर्ण एक से अधिक बार आए हैं, कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इसी तरह से एक उदाहरण और देख लें आप,
चारु चंद्र, चारु माने होता है सुंदर, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। आपने देखा च च च च कई बार आया है, ल ल ल कई बार आया है, तो व्यंजन वर्णों का एक से अधिक बार आना ही कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसी तरह से शब्दों की पुनरावृत्ति में, जैसे उदाहरण के तौर पर मनुष्य वही जो मनुष्य के काम आए, आपने देखा क्या मनुष्य मनुष्य शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, रिपीट हुआ है, क्या दोनों के अर्थ अलग अलग हैं? नहीं, यहां पे भी मनुष्य है और यहां पे भी मनुष्य है, दोनों के अर्थ क्या हैं? मनुष्य ही हैं। इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा? यहां अनुप्रास होगा, यमक नहीं होगा। दूसरा उदाहरण देख लें आप इसी का, बहुत प्यारा उदाहरण है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आप जरा देखें पूत पूत रिपीट हुआ है, क्या दोनों का अर्थ अलग है? नहीं, एक ही अर्थ है, पुत्र तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय रिपीट हुआ है, क्या दोनों के अर्थ अलग अलग है? नहीं, सेम है। इसलिए कौन सा अलंकार है? इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगर अर्थ अलग अलग हो जाता तो यमक अलंकार हो जाता। एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे लड़का तो लड़का ही है। अब यहां शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, लड़का लड़का, क्या दोनों के अर्थ अलग हैं? नहीं, दोनों के अर्थ लड़का ही है, दोनों का अर्थ क्या है? लड़का ही है। इसलिए यहां पर यमक अलंकार न होकर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार पांच प्रकार के होते हैं, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछता है, इसलिए बहुत बताने की हम चेष्टा नहीं कर रहे हैं। ये जो अभी मैं ये उदाहरण दे रहा था, ये लाटानुप्रास का है। अब इसके बाद आपके वक्रोक्ति आदि भी आते हैं, लेकिन ये सब एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं वक्रोक्ति इत्यादि, इसलिए हम बताने की चेष्टा भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अर्थालंकार। प्रश्न यह उठा, अर्थालंकार कहते किसे हैं? जिस अलंकार का निर्धारण अर्थ के आधार पर होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत दो बातों का जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, उपमेय और दूसरा है उपमान। उपमेय कहते किसे हैं? जिसकी तुलना की जाए। उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए। उपमेय जो होता है यह क्वालिटी में उपमान से न्यून होता है। कभी कोई नहीं कहता है कि गांधी जी के विचार हमारे जैसे थे, लोग यही कहेंगे फलाने का विचार गांधी जी के जैसा है। कोई ये नहीं कहता है कि खली के पास हमारे जैसी ताकत है, लोग यही कहते हैं कि इसके पास खली जैसी ताकत है। इस तरह से कभी भी न्यून क्वालिटी वाले को हमेशा हम क्या करते हैं? उपमेय में रखते हैं, और जो उच्च क्वालिटी है वह उपमान में होता है। इसीलिए कहा जाता है उपमेय जो होता है क्वालिटी में क्या होता है? न्यून होता है। किसकी अपेक्षा? उपमान की अपेक्षा। यह गुणों में उपमान की अपेक्षा न्यून होता है, और यह क्या होता है?
गुणों में उपमेय की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। उपमेय की एक और बात है, यह प्रस्तुत होता, इसकी बात चलेगी या सामने रहेगा, कहने वाले के ये सामने ही रहेगा या उसकी बात चलेगी, इसीलिए इसे कहा जाता है यह क्या होता है, यह प्रस्तुत रहता है, सामने उपस्थित होता है, और जबकि यह सामने नहीं रहता है इसलिए यह अप्रस्तुत माना जाता है, अप्रस्तुत रहता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मुख, हमने कह दिया मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख क्या है, उपमेय है, और जैसे चंद्रमा या चंद्र क्या है, उपमान है। उपमान को पहचानने का एक और तरीका है, जिस शब्द के बाद, मान लिया जाए किसी शब्द के बाद क्या लगा हो, वाचक शब्द आया हो, वाचक शब्द अर्थात तुलनावाची शब्द, तुलनावाची शब्द के अंतर्गत जैसे सा, सी, से, की तरह, के समान, के तुल्य, सदृश, सरीस, सम, इव, ज्यों, जैसा, यथा आदि, ये आपके क्या हैं, ये तुलनावाची शब्द हैं। किसी भी शब्द के बाद अगर तुलनावाची या वाचक शब्द आते हैं तो वह शब्द क्या होता है, वह शब्द जो होता है वह उपमान होता है। जैसे सीता का मुख चंद्र सा, चंद्र सा, चंद्र के बाद सा आया है, इसका मतलब चंद्र क्या है, उपमान है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, अब इसमें पूछ लिया आपसे कि उपमान शब्द कौन सा है, तो पहचान का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वाचक शब्द इसमें क्या है, सा है, ये वाचक शब्द है, तुलनावाची शब्द है, और जिस शब्द के बाद आएगा वही क्या होगा, उपमान होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आगे, इसके बाद हम अर्थालंकार बताते हैं। ठीक।